फ्रेंड्स, आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को मैथ ऑब्जेक्टिव लेसन 1 और 2 का बताऊंगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो परिमेय और द्विघात समीकरण से रिलेटेड। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन का संग्रह किया है जो परीक्षा में हमेशा पूछते हैं ना। आप लोग वीडियो को पूरा वाच कीजिए, और आप लोग अगर वीडियो को पूरा वाच करते हैं तो लेसन 1 और लेसन 2 यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल मस्त क्लासेस में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में इस लेसन से, इस एक्सरसाइज से पूछते हैं। आइए, आपके सामने जो है लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन के सही विकल्प चुने। इसमें चार चार विकल्प दिया हुआ है, उन चार विकल्पों में से एक विकल्प सही है हमें बताना है। पहला क्वेश्चन √2 है, √2 के बारे में बताना है। पूर्णांक संख्या, दूसरा ऑप्शन अपरिमेय संख्या, तीसरा एक परिमेय संख्या और डी है नन। तो √2 जो संख्या है उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना हो वह अपरिमेय कहलाती है, इसलिए √2 का जो ऑप्शन सही होगा वो बी सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा सवाल है π/2 है, इसके बारे में बताना है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और डी है नन। तो देखिए, पाई जो है अपरिमेय है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं आता है, तो अपरिमेय है। अपरिमेय में किसी भी चीज़ से आप भाग कीजिए तो वो अपरिमेय ही रह जाता है ना, अपरिमेय ही रह जाता है, इसलिए π/2 का जो ऑप्शन होगा इसका भी बी ऑप्शन सही है कि अपरिमेय है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 2.12, फिर 112, फिर 1112, फिर 41, फिर 2... इसके भी बारे में बताने की क्या है, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय और डी है नन। तो जो दशमलव प्रसार अनवसानी मतलब नन रिपीटिंग, इसको इंग्लिश में नन रिपीटिंग कहते हैं, यानी कि बदल बदल के अंक आवे, नन रिपीटिंग, तो वो अपरिमेय कहलाता है, अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ देखिए, एक एक था, फिर डबल एक है, फिर ट्रिपल एक है, फिर 4×1 है, इसलिए यह अशांत है, अनवसानी है, और अनवसानी संख्या जो होती है वह अपरिमेय होती है, इसलिए 3 का जो है सी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 5.233 है, तो देखिए 5.233 जो है बार बार आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.2 और 3 के ऊपर बार। अब देखिए, बार हटता है तो पूरी संख्या को लिख लिया जाता है, और जिस पे बार नहीं है उसको घटा लिया जाता है, अजय गुण पे 12×90 इस रूप में लिख लेंगे, और इस रूप का जब सोल्यूशन करिएगा तो 3 में से 2 घटेगा 1, 52 में से 5 4 71/90। तो ये जो आया P/Q के रूप में आ गया, और जो संख्या P/Q के रूप में होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए 4 का जो होगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हम देखिए पाँच सवाल आपके सामने, जो 5 है 3 और -√3 है, तो 3 जो है परिमेय है और √3 जो है अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय हो तो बराबर अपरिमेय ही होता है ना, अपरिमेय होता है, इसलिए 3 - √3 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 का जो होगा बी सही है। ठीक है, अब अगला जो 6 सवाल है उसमें लिखा है 5.2372 है, तो देखिए इसको ना हम P/Q के रूप में लिख सकते, 2372 दिया है, पॉइंट हटाएंगे तो 1 होगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 4 0 है तो 4 अंक है तो 4 0 बिठा लेंगे, और ये जो हो गया P/Q के रूप में हो गया, और जो P/Q के रूप की होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, इसलिए 6 का जो होगा बी सही है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो 7 क्वेश्चन है, 11.2356 के ऊपर रैकरिंग लगाया हुआ है, यानी कि 5, 6, 4 जो संख्या है वो बार बार आएंगी है ना, रिपीट करेंगी, तो इसको अवसानी बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11, 23, 5, 6, 4। अब इसमें 3 अंक पे बार लगाया था तो 3, 9 लिख सकते हैं, और इसमें 2 अंक पे बार नहीं था दशमलव के बाद, उसके बदला में 2×0, और ये 2, 11 जो है इस पर बार नहीं है, इसको घटा लेंगे 1123, घटाने के बाद जो संख्या आएगा वो आपका P/Q के फॉर्म में आएगा, और जो संख्या P/Q के फॉर्म का हो उसे परिमेय कहते हैं, इसलिए 7 का जो होगा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 में लिखा है √3, और ये 12 जो है, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2×2×3, तो √3। अब 12 यानी कि 2 जो है डबल है, एक निकल जाएगा तो √3 बचेगा, √3 कट गया एक बार में,
तो एक बटा जो आया दो आया, और एक बटा दो जो है पी बाई क्यू के फॉर्म का है, और पी बाई क्यू के फॉर्म का होने के चलते आठ का जो होगा ए ऑप्शन सही है, यानी कि परिमेय है। ठीक है, आइए अगला सवाल जो है पूछ रहा है कि एक बटा रूट तीन है, तो रूट तीन जो है अपरिमेय संख्या है, और किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय से भाग कीजिए वो अपरिमेय ही रहती है, इसलिए नौ का जो होगा बी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। दस, दस में है पाँच रूट दो है, तो पाँच एक अपरिमेय है, पाँच जो है परिमेय संख्या है, रूट दो अपरिमेय है, यानी कि जब परिमेय का गुना अपरिमेय से होता है तो वह अपरिमेय ही बनता है। ठीक है ना, अपरिमेय बनता है, इसलिए दस का जो होगा बी सही है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। 11 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए 49/64 पहला ऑप्शन, दूसरा 81/91, तीसरा रूट 31/51 और चौथा 49/100। तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, और 64 का जो वर्गमूल होता है वो 8 होता है, और ये 7/8 के रूप में लिखा जा चुका है, इसलिए 11 का जो होगा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यही जो है परिमेय संख्या के रूप में है। आइए अगला क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 और 64 का 8, तो ये परिमेय हो गया इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 का वर्गमूल 1 और 81 का वर्गमूल 9, तो ये भी परिमेय हो गया इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ना तो 3 का वर्गमूल निकलेगा और ना ही 5 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए यही अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा 12 का सी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला जो है 13, बताना है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है ना, तो देखिए 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, इसलिए 3 जो है परिमेय है, 25 जो है परिमेय है, 49 जो है परिमेय संख्या है, अब बच गया 20, 20 का जो है पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए रूट 20 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 13 का जो होगा बी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 14 देखिए। 14 जो है बताना है कि दो रूट दो कौन सी संख्या है, तो दो जो है परिमेय है और रूट दो जो है अपरिमेय है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का गुणनफल भी अपरिमेय कहलाता है, इसलिए जो होगा इसका ऑप्शन बी सही होगा, दो रूट दो क्या है तो अपरिमेय संख्या है, 14 का बी। अब देखिए अगला सवाल है 15, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से ना कट, सिर्फ स्वयं से कटता है, तो 8 जो है 2 के पहाड़ा से कट जाता है, 4 से कट जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, 9 भी 3 के पहाड़ा से कट जाता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, और 15 भी 3 से कटता है और 5 से कटता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बच गया 11 जो है सिर्फ 11 से ही कटता है और ये 1 से कटता है, इसलिए 15 का जो होगा सी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए 16, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, आइए इसका यहीं पे सोल्यूशन करके बताता हूँ। 1440 का यहाँ देखिए 2 से कटाएंगे, 2 से 2 साथ 14, 2 दूनी 4 720 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 360 बार में, फिर 2 से 180 बार में, फिर 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, इसके बाद अब ये 3 से कटना शुरू हो गया ना, 3 से 5 बार में, तो इसमें 2 का अधिकतम घात पूछा है, तो 2 को गिन लेंगे कै गो है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 5 को ये 3 है, 1, 2, 3, 4, 5 दो कई बार आया, 5 बार, इसलिए 1440 में जो होगा 2 का अधिकतम घात 5 होगा, यानी 16 का सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन 17 में बताना है कि द्विघात बहुपद x²-5x+6 के शून्य क्या, आइए इसको मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ ना। 17 का जो क्वेश्चन है x²-5x+6 का शून्य पूछना है, तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6x² बाहर गुना करने पे आ रहा है, तो ये इसको इसके तोड़ लेंगे ऐसे, 3x(2x+6)=0, अब इन दोनों में x कॉमन है, x को कॉमन ले लिया तो x-3, फिर -2 कॉमन लिया तो x-3=0, x-3 डबल है एक लिख लेंगे और एक यहाँ मिला के लिखेंगे x-2=0, तो यहाँ से x=3 मिलेगा और x=2 मिलेगा, यानी हमारा आंसर 2 और 3 होना चाहिए। अब आपके आंसर दिखाता हूँ, 2 और 3 किस ऑप्शन में लिखा है, यहाँ 1-1, 2-1, 2-3 और -2-3, इसलिए 17 का जो होगा सी सही होगा, 2-3। ठीक है, आइए 18 क्वेश्चन का सलूशन करके बताता हूँ। अल्फा बीटा एक देखिए शून्य दिया, x² + 2x + 1 के शून्य है,
तो पूछ रहा है 1/α + 1/β का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, a से a को काट लिया बच गया -b/c। शुरू वाला मान a का होता है, फिर b का, फिर c का, तो a बराबर यहाँ 1 छुपा हुआ है और b का मान 2 है, तो यहाँ भर दीजिए 2 और c का भी मान 1 है, तो 2/1 यानी कि 2 क्या होगा, 2 यानी 18 का। देखिए 18 का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है उसमें बी ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, -2 और मेरा भी -2 आया है, इसलिए 18 का बी सही है। आइए 19 क्वेश्चन को बताता हूँ। 19 में लिखा हुआ है, 19 क्वेश्चन का सलूशन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि यदि बहुपद x²-9x+a के गुणनफल 8 हो तो इसके शून्यक है। लिखा है x²-9x+a का गुणनफल कितना है, 8 है, बहुपद के शून्यक का गुण, इसके शून्यक है। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a और गुणनफल कितना दिया है 8, तो यहाँ 8 पुट कर देंगे, c का मान a है और a का मान 1, तो a इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 8। ठीक है ना, a इक्वल टू 8 मिल गया। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन सब हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, x²-9x+a के जगह पर 8 पुट कर दीजिए और शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर कर दीजिए, किनारे किनारे गुना करने पर 8 आ रहा है, तो यहाँ 8x और x में तोड़ लिया +8, x कॉमन लिया x-8, हम -1 कॉमन लिया तो x-8=0, x-8 डबल है, एक लिख लिया और एक यहाँ लिख लिया x-1=0, तो x का एक मान 8 मिला और एक x का मान 1 मिला, यानी हमारा आंसर 8 और 1 होगा। आइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में -1-8, डी ऑप्शन में देखिए 1-8 नज़र आ रहा है ना, इसलिए 19 का जो ऑप्शन होगा डी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 में लिखा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x²-ax-b के शून्यक है तो अल्फा प्लस वन और इंटू बीटा प्लस वन का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने पे बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन आप लोग देखिए गौर से, आपसे नहीं छूटेगा। लिखा हुआ x²-a(x+1-b), इसको ऐसे लिख लीजिए थोड़ा सा बढ़ा के, है ना, ऐसे लिख सकते हैं x²-ax और यहाँ गुना होगा तो -a और -b, ये हो गया =0। अब हमको जो निकालना है α+1 × β+1। आइए इसको सोल्यूशन करते हैं, अल्फा में बीटा से गुना हुआ तो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा में 1 से गुना हुआ तो अल्फा, बीटा में 1 से हुआ तो बीटा, 1 में 1 से हुआ तो 1। अल्फा बीटा का सूत्र c/a और अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है -b/a और 1। तो c का देखिए मान, ये पूरा वाला c का मान है, यहाँ पुट कर दीजिए, या ये इधर थोड़ा सा कर देता हूँ ना, सी का मान है -a -b और नीचे में a लिखना है, a लिख लिया। अब b रखना है तो b का मान माइनस है तो -, यहाँ +a हो गया और बटा में a है -1, यहाँ a कट गया 1 बार में। ठीक है, अब यहाँ पे -a -b या बटा में a, अब +1 अब -1 ये भी कट गया तो हमारा बच्चा -a -b/a। ठीक है, अब आपके पास जो ऑप्शन है इसमें देखिए 1+b 1-b ऐसे ऐसे करके ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा जो 20 है, जो हमारा आंसर है, वो आंसर इस 20 में नहीं है, इसलिए 20 का जो होगा डी सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो α/β + β/α का मान क्या होगा, आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है, आइए इसको सोल्यूशन करके बताता हूँ। 21 क्वेश्चन है ना, देखिए लिखा हुआ है x²-3x+5 α/β + β/α, इसका ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम होगा अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कट गया बचा अल्फा, तो α² + β² इसका सूत्र होता है α+β²-2α β/α। ये अल्फा बीटा जो है दोनों के लिए, ऐसे लिख सकते हैं आगे, α+β²/α β और यहाँ α β कट जाएगा 2 होगा। α+β को आगे हम बढ़ाया जिसका सूत्र -b/a होता है, का होल स्क्वायर लिख लिया और नीचे c/a, तो b का देखिए मान -3 है और माइनस यहाँ भी है तो +3 हो जाएगा, a का मान 1 तो यहाँ पे 3 ही रहने दीजिए, 1 लिख दीजिए, c का मान जो है 5 और a का तो 1 है
तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का 5। यहाँ देखिए लास्ट में 2 छूट रहे हैं, यहाँ 2 हो गया और यहाँ एलसीएम लीजिएगा, घटाने के बाद आएगा -1/5। अब देखिए 21 का जो ऑप्शन है सी में लिखा है -1/5, ठीक है, तो इसलिए 21 का सी होगा आंसर, ठीक है। अब आइए 22 क्वेश्चन, देखिए 22 जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है, तो 1/α² प्लस 1/β² का मान पूछ रहा है, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन करके हम बताता हूँ 22 क्वेश्चन का। हमारे पास जो है x² - px + q है ना, हमको निकालना है 1/α² प्लस 1/β² एलसीएम जो होगा इस तरह का होगा α² β² और ऊपर जो होगा α² प्लस β², जिसका सूत्र होता है α+β² - 2α β, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं α β² ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जिसका सूत्र था -b/a है ना, आप सूत्र नहीं लिख रहे डायरेक्ट मान भर रहा हूँ, तो यहाँ पे -p है तो -p² लिख लिया। और फिर -2 α·β c/a तो c का तो मान q है तो q लिख लिया। फिर नीचे α β c/a तो q² तो आंसर होगा p²-2q/q². अब ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है कि नहीं, तो देखिए आपके सामने नज़र आ रहा है p²-2q/q², यही हम भी लाए हैं ना, इसलिए हमारा जो होगा 22 का बी सही है, ठीक है। आइए 23 क्वेश्चन, 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है यानी उल्टा है, यानी एक वो अल्फा है तो दूसरा 1/α है, तो पूछ रहा है b का मान क्या होगा, तो b c के जगह पर है, तो चूंकि हम लोग पढ़े हैं α·β क्या होता है c/a, तो अल्फा का मान अल्फा इसका 1/α, सी के जगह पर -b है, ए के जगह पर 1, अल्फा अल्फा कट गया ये माइनस इधर आ जाएगा, तो बी का जो मान होगा -1। अब ऑप्शन देख लीजिए 23 का जो है बी ऑप्शन में लिखा है -1, ठीक है। 24 क्वेश्चन देखिए है ना, x² + 1 के शून्यक एक दूसरे के विपरीत है तब ए का मान होगा, विपरीत मतलब उल्टा, जैसे एक मान अल्फा है तो दूसरा -α है, तो पूछ रहा है ए का मान, तो ए देखिए बीच में है यानी α+β, सूत्र क्या होता है -b/a लिख लिया, अल्फा का भी मान अल्फा और बीटा का मान -α, -b तो बी के जगह पर तो ए है और ए के जगह पर 1 है, तो यहाँ अल्फा अल्फा 0 आ गया यानी ए का मान 0, तो 24 का जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए 25 क्वेश्चन है, यदि गुणनफल यदि बहुपद 3x³ + 5x²-7x - 27 के 2 शून्यकों का गुणनफल 3 हो तब तीसरा गुण बताना है ना, तो देखिए तीसरा 2 का दिया है, क्या दिया है इस क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा का जो मान है वो 3 है, तो तीसरा पूछ रहा है, तो चूंकि एक थ्योरी होता है कि α β γ = -d/a, तो α β γ का जो मान है 3, तो यहाँ 3 पुट कर लिया, गामा को गामा छोड़ दिया, d a b c d की जगह पर है -27 और माइनस यहाँ भी है तो +27 हो जाएगा, a लिखना है तो a का मान 3 है तो 3 लिख दिया, 3 × 27 कट गया, तो गामा बराबर 9, ये 3 गुना में है इधर आएगा तो भागा में 3 × 9 यानी गामा का जो मान आएगा वो 3 होगा। अब ऑप्शन में झूठी तीसरा शून्य पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन में क्या लिखा है 3, इसलिए 25 का जो होगा सी है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन किया हूँ, आगे के जो 25 क्वेश्चन है अगले वीडियो में सोल्यूशन करूँगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।